राजनीति और विवादित बोल का एक दूसरे के साथ गहरा नाता रहा है। दोनों एक साथ फलते फूलते हैं। अक्सर विवादित बोल देने वाले नेता टीवी शो में चर्चा का विषय बन जाते हैं, अखबारों की हेडिंग भी बन जाते हैं। हालांकि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई कम ही होती दिखाई देती है। ऐसे नेताओं की फेहरिस्त एक दो या तीन नहीं, काफी लंबी चौड़ी है। तो आइए नजर डाल लेते हैं ऐसे नेताओं पर। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी, डर और मौत के सुबह। इसलिए ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसे दुष्कर्म किए होते हैं, इनको उन्हीं लड़कियों के सामने और महिलाओं के सामने उल्टा लटका करके मार मार के चमड़ी उधेड़ कर फिर उस मांस में नमक और मिर्च भर देना चाहिए ताकि ये कड़वे। ये आइसिस हो गए, ये उसामा बिन लादेन हो गए, खुला हो गए, खुला हो गए, मगर कोई ये तू नहीं कह रहा कि हिंदू आतंकवादियों को। कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। हम दो और हमारा एक, हमने वो भी मान लिया। अब इन बेईमानों का संतोष नहीं हुआ, एक और नारा दिया, हम दो और हमारा। रावण के भाभी ने तो आपका दिल दिमाग साफ हो गया। लखनऊ का रावण राज्य का रावण, दिल्ली का रामलीला मैदान का रावण राष्ट्र का। ये शैतान खामोश रहता है थोड़ी देर और फिर कहता है कुत्ते का जिंदा भी रहता है। वफादारी की तस्वीर बता दो, हमें तो वफादारी की तस्वीर से मांगना है। मोदी जी नए नए आए हैं, पूरे परिप्रेक्ष्य में गुजरात में रहते थे, अभी बाहर निकला है। जहरीले बोल वाले नेताओं को तो सुन लिया होगा आपने, लेकिन अब हम आपको बता दें एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसने हम सबको चौंका दिया है। जी हां, 58 सांसद और विधायकों पर भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज है, जिनमें से सबसे ज्यादा विधायक और सांसद तो यूपी से ही है। 58 नेताओं में से 15 लोकसभा सदस्य है और 43 विधायक, जिनमें से कुल बीजेपी के 10 सांसद और 43 विधायक हैं। 6 नेताओं के साथ दूसरे नंबर पर AIMIM और TRS है। कुल 13 पार्टियों के 58 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज, 2 निर्दलीय नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। राज्य के लिहाज से 15 नेता यूपी से हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान का यह हाल है। जनता के सामने ये नेता पहले जहरीले बोल बोलते हैं और फिर होता है समाज में बंटवारे की राजनीति का जन्म। एडीआर की ये रिपोर्ट देखकर यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में ऐसे नेताओं का क्या काम है। हम और आप ही अपनी जिम्मेदारी तय करेंगे।